शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च। अद्य वर्गस्य विषयः कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। वर्ग सप्तम कक्षायां अहम कृष्णानंद झा अस्मि। उच्चारण स्थान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि आपका परीक्षा 8 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उसका रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति हम कराने जा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी करके आप परीक्षा में सफल हो सकें। अब देखिए, आपको इस बार परीक्षा में MCQ बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर चार रहेगा, जिसका चार ऑप्शन रहेगा, एक सही उत्तर रहेगा। उस सही उत्तर पर आप निशान लगाइएगा सिर्फ अपने माउस पकड़ के या मोबाइल से अपने क्लिक दबा के, उससे आपका हो जाएगा। एतेषु कः कवर्गः न क ख ग घ, इसमें च ख ग घ, इसमें से कौन कवर्ग नहीं है? तो च होगा इसका आंसर, च कवर्ग नहीं है। एतेषु कः ह्रस्व स्वरः, इसमें ह्रस्व स्वर कौन है? बड़की ई अ उ ए, तो अ नहीं है, अ ह्रस्व स्वर है, अ इसका आंसर हुआ। एतेषु कः स्वरः न, इसमें कौन स्वर नहीं है? तो च स्वर नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछा गया तो आप च पर टिक लगाएंगे। एतेषु कः दीर्घ स्वरः न, इसमें कौन दीर्घ स्वर नहीं है? अ ए ओ डी, इसमें से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर अ दीर्घ स्वर नहीं है। एतेषु कः चवर्गः न, इसमें से चवर्ग कौन नहीं है? छ झ ट ज, तो इसमें से ट चवर्ग नहीं है। अब आपको अभी पेज नंबर 3 बता रहे थे, अब पेज नंबर हम 9 बताने जा रहे हैं, 9 पेज नंबर 9। अब देखिए, ये संधि से जुड़ा हुआ है, श्रीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रीराम होगा कि श्रीसेन होगा कि श्रीसा होगा कि श्रीसा होगा? तो श्रीसा होगा, तो इसमें टिक लगाएंगे, श्रीसा। इंदु उदय का क्या होगा? इंदु दयस्य, इसमें से क्या होगा? इंदु दया, ये आंसर होगा, इंदु दया, इसमें से आपको इसमें टिक लगा देंगे। वधूत्सव, तो ये सही उत्तर है, इसमें आप टिक लगाइएगा। ऐसा मम मति इच्छा अस्ति, इसका संधि विच्छेद करना, महती जोड़ इच्छाम होगा कि महती जोड़ इच्छा होगा कि महती जोड़ इच्छया होगा कि महती जोड़ इच्छाया होगा? तो जो होगा तो महती जोड़ इच्छा होगा, तो महती जोड़ इच्छा में आप टिक लगाएंगे, अब महतिच्छा हो जाएगा। साधुक्ति, इसमें से जो सही रहेगा उसमें टिक लगाएंगे, तो साधुक्ति इसमें टिक लगा देंगे। अब विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याजोड़ आलय, अपने कॉपी पर लिखिए, विद्याजोड़ आलय दीर्घ संधि है ये। रवि जोड़ इंद्र, ये गुण संधि है। वधूत्सव, वधु जोड़ उत्सव, यह गुण संधि है। भानु जोड़ उदय, यह गुण संधि। हरी जोड़ ईशा, यह दीर्घ संधि है, हरीशा। पेज पलटिए, अब पेज पलटने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, पेज नंबर 11 में, पेज नंबर सूर्य जोड़ उदय क्या होगा? सूर्योदय होगा कि सूर्योदयन होगा कि सूर्योदयस्य होगा कि सूर्योदया तो होगा? जो इसमें सही उत्तर होगा उसमें आप टिक लगाइएगा, तो सूर्योदय यह सही उत्तर है, इसमें आप टिक लगाइएगा। देवर्षि यज्ञम करोति, देवजोर ऋषि होगा कि देवम जोर ऋषि होगा? जो सही उत्तर होगा उसमें टिक लगाएंगे, तो देवजोर ऋषि। नरोत्तमः, नर जोड़ उत्तमस्य, कि नर जोड़ उत्तमः, जो सही उत्तर रहेगा
उसमें टिक लगाएंगे। तो नरजोड़ उत्तम, नरजोड़ उत्तम यह सही उत्तर होगा, इसमें आप टिक लगाएंगे नरोत्तम। पेज पलटिए, नरेंद्र, नरेंद्र में नरजोड़ इंद्रम होगा कि नरजोड़ इंद्रेण होगा कि नरजोड़ इंद्रस्य होगा कि नरजोड़ इंद्र होगा, तो नरजोड़ इंद्र में आप टिक लगाएंगे। सूर्यजोड़ इंद्र, सुरेंद्र, 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 इसमें से कौन सही होगा, तो इसमें से सुरेंद्र सही होगा, इसमें आप टिक लगाएंगे। अतएव आज हम आपको संधि प्रक्रिया से बता दिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और कल हम आप दूसरे प्रक्रिया से आपको बताएंगे। कहीं पर भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।